तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद पहली बार रादौर पहुंचे सांसद नवीन चंदल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नवीन चंदल ने कहा कि चुनाव तक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही आप पार्टी आज कांग्रेसी नेताओं पर ही भीतरघात के आरोप लगा रही है, जबकि उन्हें 80% वोट कांग्रेस के नाम पर ही मिले हैं, इसलिए आप पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी व उनके खुद के संकल्प पत्र के अनुरूप जल्द ही कार्य शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने कि पहले की भांति ही मेडिकल सुविधाओं के अलावा जो जो समाज सेवा के कार्य पहले किए जाते थे उन पर जल्द ही काम शुरू होगा। ये आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तक तो जो है इंडिया गठबंधन की बात थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर जितनी भी वोट मिली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, मैं कहूंगा कि उसके अंदर 80% जो है उसके अंदर योगदान जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों का था। लेकिन जैसे ही नतीजे आए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही दोष देना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है अब ये सामने आ गई बात कि इनके अंदर जो है ना कोई एक विचारधारा है। और जैसे ही यहाँ के चुनाव खत्म हुए थे 25 मई को, ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो है पंजाब जाकर के फिर वो कांग्रेस को गालियां दे रहे थे। इसलिए बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण था और ये हरियाणा की जनता जो है इसको अच्छे से समझ गई है। मुझे नहीं लगता कि आगे से जाकर के जो इतना भी कोई इनको कोई इनका विश्वास करेगा।